बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी साइंस टीचर आसमा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2, काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन देखें, वेयर डज आ क्रोकोडाइल लिव? वेयर डज आ क्रोकोडाइल लिव? WHERE वेयर, DOES does, CROCODILE crocodile, LIVE live। मगरमच्छ कहाँ रहता है? यहाँ पे वर्ड आया है क्रोकोडाइल, इसका मतलब है मगरमच्छ। मगरमच्छ को बोलते हैं क्रोकोडाइल। मगरमच्छ कहाँ रहता है? आइए इसका आंसर देखें, आ क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। आ क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। CROCODILE क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ लिव्स रहता है, BOTH बोथ दोनों, IN में, WATER वाटर पानी, ANDON ऑन पर, LAND लैंड जमीन। आ क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, एक मगरमच्छ पानी में और जमीन पर रहता है, यानी कि दोनों जगहों पर रहता है, वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। मगरमच्छ से मुराद ऐसे रेंगने वाले जानवर हैं जो पानी के अंदर और पानी के बाहर रहते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं। मगरमच्छ इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक जानवर है, लेकिन ये खतरा ऐसा नहीं होता कि मगरमच्छ इंसान के पीछे दौड़ता है, बल्कि खतरा ये है कि मगरमच्छ इंसान के हरकत करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है। इसका हमें एक फ़ायदा ये है कि मगरमच्छ की खाल से हम पर्स, ब्रीफकेस, वॉलेट यानी कि बटवे, बेल्ट और जूते भी बना सकते हैं। आपने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और फिर इसका क्विज सॉल्व करना है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए या फिर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसका आपको फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह कल हम इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ क्विज देंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।